हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है JINCE नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, पूजा भाटी, गुड्डी सिंह, चलो बहुत सारे कमेंट आ रहे। चलो सभी को, मोना शर्मा, पिंकी, पूजा यादव, चलो विहान, चलो सभी बच्चों को एक साथ में गुड इवनिंग। सभी बच्चे जुड़ जाइए, लिंक को कर दीजिए शेयर। और आज आपके सामने लेके आ चुके हैं रीजनिंग की एक और क्लास। चलिए, हाँ जी, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। चलिए, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। देखो, कमेंट तो इतने सारे नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप सभी को मैं एक साथ में ढेरों सारे गुड मॉर्निंग कह देता हूं। और चलते हैं आज के इस रीजनिंग के सेशन की बात करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की ये जो क्लास है आपकी, रीजनिंग की क्लास रहने वाली है। और आप सबको पता है कि अभी आपके यूपी CHO का एग्जाम आ चुका है, करीब 7-8 दिन बाद आपका क्या है, एग्जाम है। तो एग्जाम के अंदर जो एग्जाम होता है, उससे पहले का ये एग्जाम है। यदि मान लीजिए आपने ये रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए आज के, और आज की आपको सारी चीजें समझ में आई है, तो ऐसा ही एग्जाम के अंदर आपका पेपर आएगा। जैसे आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये पेपर एक डिसाइड करा है। जैसे आज का ये सेशन रहेगा, वैसा का वैसा आपका एक रीजनिंग का सेशन और रहेगा, वो रहेगा आपका 6 सितंबर को। जैसी एग्जाम होती है, वैसे की वैसी एग्जाम से पहले एक और एग्जाम लेने जा रहे हैं हम आपके। हाँ जी, चलिए, तो सभी बच्चों को एक बार लिंक को शेयर करना है। और मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं एक रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चन, जो आपके यूपी CHO के अंदर उसी पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे आपके, ठीक है। इनसे बाहर ऐसा नहीं होगा, जो अपन पढ़ेंगे सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आप क्या रही है। हाँ जी, चलो लो जी, आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ चुका है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। 100% आप यूपी CHO का एग्जाम देने जाओगे, कोडिंग डिकोडिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। किस पैटर्न के कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे अपन। तो ध्यान रहिए, जो अपन का आज का सेशन रहेगा, 100% आपका जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न भी वैसा ही रहेगा। ये एक एग्जाम से पहले का एक मिनी एग्जाम है आपका। चलिए, तो आपके सामने आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान रखिए, जब भी इस प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। इसने आपको दो वर्ड दे रखे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज एग्जाम के अंदर आएगी, दोनों के अंदर मैंने ये लिए हैं, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर ये जो वर्ड दे रखा है ना, इसने बोला इस वर्ड को अपन ऐसे चेंज करके लिखेंगे, आगे पीछे कैसे करेंगे, उसी प्रकार आपको क्या बोला है, किड्स को कैसे लिखोगे आप। तो ध्यान दो, जब भी ऐसा वर्ड आए, तो या तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है। यदि आपको यह बात समझ में नहीं आए, तो आपको क्या करना है, इस लैंग्वेज को आपको इसके ऊपर नीचे लिख देना। कैसे लिखोगे यहां पर, सभी बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे आप भी मेरे साथ साथ। हाँ जी, ये लिख दिया, इसके नीचे ये वर्ड लिखो आप, ताकि आपको हाथों हाथ पता चलेगा प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है, ठीक है। चलो, तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया। अब आपको सॉल्व ये करना है कि I, T, E और S। तो जब भी बच्चों कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन आए आपके सामने, तो आपको ध्यान ये रखना है कि कोडिंग डिकोडिंग के अल्फाबेट के आपको नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। यदि किसी को अल्फाबेट के नंबर याद नहीं है, तो इसी चैनल के ऊपर खूब सारी रीजनिंग की क्लासें हैं, लगभग सारे के सारे टॉपिक हमने पढ़ा रखे हैं, वो आप पहले के देख सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ा रखा है, वहां पर हमने ये भी बताया कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अल्फाबेट के सीक्वेंस कैसे याद करते हैं, ये सारे के सारी चीजें हम आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, आप सभी को बच्चों पता है कि ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। एम कितने पर आता है, 13 पर, 13 पर। पी कितने पर आएगा, 16 पर। टी कितने पर आएगा, 20 पर। और वाई कितने पर आएगा, 25 पर। यदि किसी भी बच्चे को याद नहीं है, तो इसी चैनल के ऊपर मैंने कंप्लीट कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रखा है, वहां से आप ये चीजें पढ़ सकते हो। चलिए, इसी प्रकार आपको पता है N आता है 14 पर, F आता है 6 पर, O आता है 15 पर, Z आता है 26 पर और U आता है 21 पर। अब इस बात को समझो, आप कैसे सीक्वेंस के अंदर बैठा होगे, तो अब मेरे को एक बात पता चल रही है कि E से N लेके आना संभव नहीं है, यह बात बिल्कुल नहीं बैठेगी। लेकिन मेरे को एक बात समझ में आ रही, E से F लेके आ सकते हो और M से N लेके आ सकते हो। अब सीक्वेंस क्या बैठा है, यहां पर ध्यान देना। तो यहां पर बच्चों अपन ने क्या करा है, एक प्लस करा है, और यहां पर अपन ने क्या करा बच्चों, एक माइनस करा है। तो देखो कैसे जाके बैठा है, ये क्रॉस के अंदर जाके बैठा है, एक बार एक प्लस हो रहा है और एक बार एक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, यदि अपन नेक्स्ट के अंदर क्या करें, तो ध्यान दो यहां पर इसके अंदर तो अपन ने एक ही काम करा है, 1 अपन ने क्या कर दिया, बीच वाले के अंदर माइनस कर दिया। यहां पर देखो 20 से 21 हो रहा है और 25 से 26 हो रहा है,
तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, प्लस वन कर रहे हैं, और यहां पर ध्यान दो 25 से क्या हो रहा है, 26 हो रहा है, और 20 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। तो यहां पर भी अपन ने क्या करा बच्चों, प्लस वन करा है। तो ये बात सबको समझ में आई क्या, ध्यान दो यहां पर अपन ने प्लस करा है, यहां पर अपन ने माइनस करा है, और यहां 16 से 15 एक माइनस करा, 20 से 21 एक प्लस, 25 से 26 एक प्लस। जो आपने पैटर्न यहां पर लगाया है वो का वो सेम टू सेम पैटर्न आप यहां पर लगा दो, ताकि आप सबका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, चलिए सभी बच्चों को जो अभी जुड़े हैं उन सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए तो अब आपको नेक्स्ट वाला समझ में आ चुका होगा, ऐसा का ऐसा आपको लॉजिक यहां पर लगा के देखना। ध्यान दीजिए बच्चों, के कितने नंबर पर आता है, तो के आता है आपका 11 पर, आई कितने पर आता है 9 पर, टी कितने पर आता है 20 पर, ई कितने पर आता है 5 पर, एस कितने पर आएगा 19 पर। ऐसा का ऐसा लॉजिक आप लगा के चेक करो। यहां पर ध्यान दीजिए क्या करा है अपन ने, पहले यहां पर अपन ने करा है एक प्लस, तो एक प्लस करोगे 11 और एक 12, 12 पर कौन सा अक्षर आता है, तो 12 पर बच्चों आपका अक्षर आ जाएगा, हाँ जी। अब ये आपको याद होना चाहिए कि 11 पर क्या आ जाएगा, 12 पे क्या आ जाएगा, सारे के सारे अक्षर आपको क्या होना चाहिए, अल्फाबेट आपको क्या याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो आपको पता है कि एल कितने नंबर पर आता है, 12 पर। अब यहां पर आपको एक माइनस करना है, माइनस करोगे क्या लिखोगे, एच लिखोगे। अब ऐसे आपको ऑप्शन दिखे दे रहे हैं क्या, एच और एच के बाद में आपको क्या दिखे, एल, ठीक है। ऐसा यदि आपको कहीं पर भी ऑप्शन दिख जाए तो आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, डी ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे, चलो चेक करते हैं डी ऑप्शन की। हाँ जी, इस बीच वाले के अंदर अपन ने क्या करा बच्चों, एक माइनस करा, तो 19 और 19 पर क्या लिखोगे आप, एस लिखोगे। तो एस किस ऑप्शन के अंदर देर का है, अभी तक आपको नहीं देखा, चलिए। और यहां इन दोनों के अंदर अपन ने क्या करा है बच्चों, एक एक अपन ने क्या करा, प्लस और एक प्लस यहां पर कर दिया। तो बताओ 5 और 1 कितना होता है, 6, 6 पर क्या जाएगा एफ, और यहां पर 19 और 1 20, 20 पर क्या जाएगा टी। आप ऐसा चेक करो किस ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी ए ऑप्शन बता रहे हैं कुछ बच्चे। चलो आपको क्या ध्यान दिखना चाहिए, देखो यहां पर आपको एक चीज में दिक्कत आ रही है, कहां पर दिक्कत है देखो, हाँ जी। तो आपका ये आंसर मिलेगा बच्चों, यहां पर आपको शुरू में एच देर का है, शुरू में क्या है एच, तो देखो क्या आंसर हो जाएगा, एच एल एस टी और एफ, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर आएगा आपका ए नंबर। लेकिन ए नंबर के अंदर शुरू में आपको क्या करना है, एच लिखना, तो आप सभी का आंसर आएगा ए। ऐसा लॉजिक लगाना था, तो चेक करना पड़ेगा अपन को क्या लॉजिक लग रहा है और क्या नहीं लग रहा है। तो ध्यान रखिए जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो या तो आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन आएगा वो इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आएगा। यदि कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन, इस पैटर्न का क्वेश्चन यदि एग्जाम के अंदर आपको नहीं दिखा, तो सेकंड नंबर किसकी संभावना है, मतलब 50% चांस है कोडिंग डिकोडिंग से। ध्यान रखना कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% आपको पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा इस पैटर्न का, यदि ये पैटर्न नहीं आया तो फिर आपको क्वेश्चन बच्चों कैसा पूछा जा सकता है, फिर आपका सेकंड नंबर आता है इस टाइप का। अब इन दोनों में से एक एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन आएगा, इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे, तो एग्जाम के अंदर आपको इतना ही रखना है, हाँ जी गलत बता रहे हो सर, गलत क्या बता रहे भाई, हाँ जी सर आप रोज क्लास लिया करो, हाँ जी पहले रोज चलती थी, अभी आपके एग्जाम आ चुके हैं, गलत कुछ नहीं था, एस था पहले। चलिए तो ये कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 50% चांस है क्वेश्चन ये आएगा, 50% इससे पहले वाला। इन दोनों में से दोनों जो क्वेश्चन है इस पर आधारित, या तो पहले वाले पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन मिलेगा या सेकंड वाले पर आधारित आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं बच्चों सेकंड नंबर पर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा, देखो इन्होंने बोला है के देर का है, डी देर का है, जे देर का है और क्यू देर का है। इसके सामने आपको वैल्यू दिखाई दे रही है 8, 1, 4 और 2। ये वैल्यू इस प्रकार लिख लेना ताकि आपको पता रहेगा कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। चलिए इसी प्रकार यदि अपन बात करें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा पी आर एम और टी, इसका आपको क्या करना है, कोड लिखना है। चलो सोचो आप कि अपन इसका कोड कैसे डिसाइड करें, कि इसके सामने देखो इन्होंने क्या लिख रखा है कि के डी जे और क्यू को आपको लिखना है 8, 1, 4 और 2। अपन क्या करें, कैसा लॉजिक लगाए जिससे आपका क्या हो, सही आंसर बैठ जाए। चलिए तो यहां पर मेरे को एक चीज समझ में आ रही, सबसे पहले इनके ऊपर आप नंबरिंग करोगे, के कितने पर आता है, के आता है 11 पर, और डी कितने पर आता है बच्चों 4 पर, और जे कितने पर आता है 10 पर, और क्यू कितने पर आएगा 17 पर। चलो अब इनसे लॉजिक आप बैठाओगे कैसे, अब मेरे को एक बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन के अंदर बड़ा ही एक उटपटांग लॉजिक है जो आपको सोचना पड़ेगा क्या लगाना है। चलो हाँ जी मेरे को एक बात पता चली, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, के कितने पर आता है 11 पर, मतलब एक एक दोनों को आपस में जोड़ोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं आ रहा,
हाँ जी, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, 7+1 कितना होता है 8 लिख दो यहाँ पर, और जो सिंगल डिजिट के अंदर है उसको सिंगल में लिखोगे तो यहाँ पर 4 का 4 लिख दोगे, और एक बात बताओ, 1 के अंदर 0 जोड़ोगे क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इन सबको आपको क्या करना है, जो डबल है उनको जोड़ के क्या करना है, इसके क्रॉस के अंदर लिखना, जो सिंगल है उसको सिंगल का सिंगल ही लिखना है। जिन्होंने थोड़ी बहुत रीजनिंग पढ़ रखी है उनको समझ में आएगा, जिन्होंने पहले कभी लाइफ में पढ़ी नहीं तो एकदम से अचानक से समझ में नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना आपको। चलिए हाँ जी, यहां पर ध्यान दो, पी आर एम और टी को आप किस प्रकार लिखोगे, तो ध्यान दीजिए, पी कितने पर आएगा बच्चों, 16 पर आ जाएगा, आर कितने पर आएगा 18 पर आएगा, एम कितने पर आएगा 13 पर, और टी कितने पर आएगा 20 पर। कैसे लिखना था आपको पता होगा, क्रॉस के अंदर लाके आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिए, यदि मैं इसको जोड़ू 2 के साथ में 0 जोड़ूंगा तो भी आपका क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, और 6 और 1 साथ में जोड़ेंगे क्या रहेगा, 7 आ जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन के अंदर आपको दिख जाए वो आपका 100% आपका क्या है, राइट आंसर है। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा, बी ऑप्शन के अंदर, देखो 2, 4, 9 और 7। तो इस पैटर्न पर क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना, ये है आपका कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर, अपन इसको कहते हैं नंबरिंग, और पहले वाला था अल्फाबेट पर आधारित, इन दोनों में से आप ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर आपको एक ना एक क्वेश्चन तो 100% आपको मिलने वाला है, इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। चलिए हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों आपके सामने, लो जी। चलो इसके अंदर आपको यह बताना है, ये आपके क्लासिफिकेशन नाम का एक टॉपिक है, वहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है इस पैटर्न पर आधारित हो, और हो सकता है इस टॉपिक में से और जो पैटर्न है वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए यदि अपन बात करें, ये आपको एक ही बात पूछ रहा है, इसमें से आपको क्या बताना है, ओड अलग क्या है, विषम क्या है, क्या बताना है इनमें से अलग, ये 4 ऑप्शन है आपके पास में, चारों में से जो अलग होगा वही आपका क्या होगा आंसर। तो आप इनको अलग कैसे करोगे और कैसे आप अलग नहीं करोगे वो आपको क्या करना है, सोचना है। सीओचओ में ब्लड रिलेशन भी आता है, बिल्कुल आता है, ब्लड रिलेशन के भी आज अपन क्वेश्चन लेके आए, उसके भी अपन क्वेश्चन करेंगे, जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, सभी टॉपिक के आज अपन ने क्वेश्चन लिए हैं, जैसा आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है वैसा का वैसा आपको पढ़ाया जाएगा, ये मान के चलिए एग्जाम से पहले आपका ये एग्जाम है। डायरेक्शन भी, हाँ जी डायरेक्शन भी कराएंगे आज, सारी चीजें पढ़ाएंगे जो आपको सीओचओ के अंदर आपको पूछी जाएगी। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, इसके अंदर ओड क्या है, अलग क्या है, तो बिल्कुल एकदम मैंने आसान क्वेश्चन लिया है, तो ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन देर का, तो पहले के अंदर एक काम करो आप, 7 का स्कोर कितना होता है बच्चों, 49, कितना होता है 49। अब मैं यदि 49 में से 3 माइनस करूं तब जाके आपके पास में कितना आएगा, 46 आएगा। लॉजिक क्या लगा है, स्कोर करना है, स्कोर करके आपको क्या करना बच्चों, 3 माइनस करना है। तो इसी प्रकार यदि अपन बात करें बी नंबर ऑप्शन की, तो आओ बी की बात करते हैं, तो बी के अंदर अपन ने क्या करा, 9 का स्कोर करा, और 9 का स्कोर करने से कितना होता है 81, इसमें से 1 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आया 80। सबको सॉल्व करके देखते हैं। चलो डी नंबर की यदि अपन बात करें, तो डी के अंदर देर का 4, और 4 का स्कोर कितना होता है 16, 16 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास में 15। चलो मैं सी ऑप्शन की बच्चों बात करता हूं, तो 6 का स्कोर होता है 36, और 36 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा 35। अब मेरी बात को समझना, इसने पूछा कि आप बताओगे फाइंड आउट ओड, जो अलग है वही आपका क्या होगा आंसर होगा। अलग मतलब 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, जो अलग होगा वो आपका आंसर रहेगा। हाँ जी, तो चलो ध्यान दो, अब मेरे को एक बात समझ में आ रही है, यहां पर अपन ने क्या करा है, स्कोर करके 1 माइनस करा है, ये का ये सेम लॉजिक अपन ने यहां पर लगाया है, स्कोर करके क्या करा है 1 माइनस करा है, और यहां पर भी सेम लॉजिक लगा है, स्कोर करके 1 माइनस करा, तो बताओ अलग क्या है, तो आपका अलग हो चुका है ए ऑप्शन, जो कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बताए हैं। इतने सारे कमेंट तो अपन नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बीच में बी बता रहे हैं, भाई बी कैसे होगा, इन्होंने क्लासिफिकेशन कहता है कि 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन एक जैसे होगा, जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो अलग तो यही हुआ, क्योंकि इसने क्या करा है, स्कोर करके 3 माइनस करा है, बाकी सबने देखो इन तीनों ने स्कोर करके 1-1 ही माइनस करा है। तो ध्यान रखना इस पैटर्न पर आधारित, ऐसा एग्जाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा, 4 आपको चीजें देर की होगी, उनमें से 3 एक जैसी होगी, जो अलग होगी वही आपका आंसर होगा। तो आपको एक लॉजिक लगाना है जिसे एक चीज क्या हो जाए बच्चों, अलग हो जाए। चलिए तो ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो आज बिल्कुल आपका एग्जाम जैसा ही एग्जाम चल रहा है। चलो ध्यान दीजिए, ये आपका बच्चों क्वेश्चन आ चुका है, क्लॉक नाम का एक टॉपिक है आपका, घड़ी, जो कि आप सबने देखी होगी, आप लेके बैठे होंगे फोन के अंदर, घड़ी चल रही है आपके हाथ के बांध रखी होगी। किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, क्लॉक, घड़ी की बात कर रहे हैं। तो चलिए
क्वेश्चन को पढ़िए, जिसके हिंदी मीडियम है वो हिंदी वाला पढ़ो, जिसके इंग्लिश है इंग्लिश मीडियम पढ़ो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको क्वेश्चन पढ़ना है। चलो ये क्वेश्चन कह रहा है, एक घड़ी को जिस पर केवल ये कह रहा है 3 नंबर 6 नंबर 9 नंबर और 12 नंबर ही चिन्ह लगे हुए हैं। जैसे अपने घड़ी होती है ना, क्लॉक होती है ना, इसने बोला है 12 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 6 लिखा हुआ है, फिर 9 लिखा हुआ है। इस बात से किसी प्रकार का क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बात समझ में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। चल गई बात समझ में। चलिए तो ध्यान दीजिए, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसने क्या बोला है कि एक दर्पण के सामने, दर्पण का मतलब किसकी बात कर रहे हैं, यह बात कर रहा मिरर, मिरर मतलब कांच की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि एक दर्पण के सामने उल्टा रखा जाए, कह रहा है कि ये जो आपकी घड़ी है ना, नॉर्मल जो आपके पास में घड़ी है, इसको अपन क्या करेंगे, मिरर के सामने उल्टा रख देंगे। तो इसने बोला है कि दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, जिससे व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब के अंदर आपको टाइम दिखाई दे रहा 9:50 जैसा रुका हुआ समय दिखता है। तो बताओ वास्तविक समय क्या होगा, वास्तविक समय का मतलब क्या होता बच्चों, ये पूछ रहा रियल टाइम क्या होगा, रियल टाइम कौन सा होता है। तो ध्यान दो, या तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है मिरर इमेज का, या पूछा जाता है वाटर इमेज का। तो रियल टाइम हमेशा होता है बच्चों, घड़ी वाला जो टाइम होता है ना वो रियल टाइम होता है। तो ये बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व कैसे करोगे वो मैं बताता हूं आपको, सेकंडों के अंदर इसका आंसर आप कैसे लेके आओगे। तो ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए इसको आप कैसे सोल्व करोगे। चलिए इस क्वेश्चन ने कहा है कि एक दर्पण के सामने उल्टा रखा जाए, और उल्टा रखने के बाद इस घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, तो ध्यान दो आप, टाइम हो रहा है 9:50 का टाइम हो रहा है घड़ी के अंदर। जैसे कि आप मान लीजिए कि मेरे पास में ये घड़ी है, इस घड़ी के अंदर हो रहा है टाइम 9:50, लेकिन मैंने इस घड़ी को क्या कर दिया बच्चों, मैंने इस घड़ी को कर दिया उल्टा। अब एक बात बताओ, उल्टा कैसे करते हैं, जैसे घड़ी में 12 ऊपर बजती है ना, तो अपन ने उल्टा कर दिया, तो उल्टे का मतलब क्या हुआ, अब 12 बजेगी नीचे की साइड और 6 बजेगी ऊपर की साइड। अब अपन ने घड़ी को क्या करा, मिरर के सामने उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद इसने पूछा है कि उल्टा करने के बाद आपको टाइम दिखाई दिया 9:50, तो इसने पूछा है वास्तविक समय क्या था। जब आपने मिरर को देखा था तो मिरर के अंदर क्या हुआ था, घड़ी उल्टी थी। क्या था बच्चों, मिरर के अंदर, मिरर के अंदर तो आपकी घड़ी क्या थी, उल्टी। उल्टी की वजह से आपको टाइम दिखाई दे रहा था 9:50, तो इसने पूछा वास्तविक समय क्या होगा, रियल टाइम क्या होगा। रियल टाइम होता बच्चों घड़ी वाला, किसका टाइम होता है, क्लॉक का टाइम होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों हो जाओगे, तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ये लाइन देर की है ना, ये क्या कह रहा है कि एक दर्पण के सामने उल्टा रखा जाए, तो कभी भी आप एक काम करना, ऐसा आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हो, आप सबके पास में घड़ी भी है और आप सबके पास में मिरर भी है। तो जो ही आप मिरर के सामने घड़ी को उल्टा रखोगे, और जब वो जो टाइम देखेगा वो आपको टाइम देखेगा, जो वाटर इमेज का टाइम होता है ना, किसका टाइम होता है, घड़ी को जो ही मिरर के सामने उल्टे का मतलब होता है बच्चों, अब जो आपको टाइम दिखेगा वो दिखेगा आपको वाटर इमेज का जल प्रतिबिंब दिखेगा। जब लेफ्ट और राइट होता है, जब लेफ्ट की साइड राइट में घूमती है, राइट की साइड लेफ्ट में घूमती है, उसको अपन मिरर इमेज कहते हैं। तो ये कह रहा है कि उल्टा रखा जाता है, उल्टे का मतलब ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ मिरर है, लेकिन क्वेश्चन किसका है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है वाटर इमेज की बात कर रहा है। अब वाटर इमेज आपको पता होगा कि वाटर इमेज का कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, उसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूं कि जब भी वाटर इमेज का बच्चों क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर, तो आपको दो टाइम याद रखना है, 18:30 और 17:90, इन दोनों में से क्वेश्चन को आप माइनस कर दो, आपका 100% आपको क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। कभी भी वाटर इमेज का कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, एक टाइम आपको ध्यान रखना है 18:30 और दूसरा टाइम आपको ध्यान रखना है 17:90। यदि मिरर इमेज का कोई क्वेश्चन आए तो आप माइनस कर देना 11:60 में से कैसा भी क्वेश्चन आए, माइनस कर देना, आंसर आ जाए। जब भी वाटर इमेज का क्वेश्चन आए, इन दोनों में से एक में से माइनस कर देना, एक में से कैसे, 30 मिनट से कम का कोई क्वेश्चन आता है तो इस टाइम में से माइनस करना है, 30 मिनट से ऊपर का कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो इस टाइम में से आपको माइनस करना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अब आपके पास में टाइम हो रहा है 9:50, बोलो किसमें से माइनस कर दें, इस टाइम में से आपको माइनस करना है 9:50। तो यहां पर माइनस करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा, 40, और 40 मिनट वाला एक ही तो ऑप्शन है आपको देर का है, 8:40। तो ध्यान दो, 8 और 9 कितना हो चुका है, 17। बोलो आई बात समझ में नहीं आई, कभी भी जो ए ऑप्शन बता रहे बच्चों, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका रॉन्ग है, ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, बी ऑप्शन। तो ध्यान रख लो,
जब भी मिरर के सामने उल्टे का मतलब होता है, ये क्वेश्चन है वॉटर इमेज का। वॉटर इमेज का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कभी भी आपको दिखे तो आपको दो टाइम याद रखना है, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करना, क्योंकि आपके पास में इतना टाइम नहीं है ताकि आप प्रैक्टिकल करके और सॉल्व कर सकते हो। वैसे अपन इसका प्रैक्टिकल कर सकते थे। वॉटर इमेज का मतलब होता है नीचे की सुइयों को ऊपर की तरफ ले जाओ और ऊपर की सुइयों को नीचे की तरफ ले जाओ, लेकिन इतना टाइम अपने के पास में एग्जाम में नहीं होता और अपने पास अभी पढ़ने के लिए इतना टाइम है भी नहीं। तो जब भी वॉटर इमेज का क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर तो कॉपी के अंदर ये चीज लिख दो कि इन दोनों में से एक में से माइनस करना। उल्टा सीधा कैसा भी क्वेश्चन पूछे, चाहे घड़ी का टाइम देके वॉटर के अंदर पूछे, चाहे वॉटर का टाइम देकर घड़ी के अंदर पूछे, इन दोनों में से क्या करना है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले तो इन दोनों में से एक में से माइनस कर देना। 30 मिनट या 30 मिनट से पहले पहले का क्वेश्चन आए तो इसमें से माइनस करो, और 30 से ऊपर आए तो इसमें से माइनस करो। यहां पर ऊपर 50 मिनट थी इसलिए अपन ने इसमें से माइनस कर दा, और यहां पर ऐसे दे देते 9:20 तो अपन यहां से माइनस करते। ये बात सबको समझ में आ चुकी है, बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। लो जी, ये क्वेश्चन है आपका कैलेंडर नाम का एक टॉपिक है। आप सबको पता होगा कि कैलेंडर कैसा होता है कैसा नहीं होता, तो कैलेंडर से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ जी, तो एक आपको एग्जाम के अंदर देखो टॉपिक दो अलग अलग है, एक का नाम है क्लॉक और दूसरे का नाम क्या है, कैलेंडर। तो ध्यान रखना आप जब UPCHO का जो एग्जाम देने जाओगे उसके अंदर या तो आपको एक कैलेंडर का क्वेश्चन मिलेगा या क्लॉक का मिलेगा, दोनों में से एक क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ये दोनों टॉपिक एक साथ ही दे रखा है, कैलेंडर एंड क्लॉक। और एग्जाम के अंदर नॉर्मली इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो कैलेंडर का या क्लॉक का। नंबर तो ऐसा ही है, बाकी हो सकता है दोनों में से पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, दोनों में से एक का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको कैलेंडर से पूछा गया है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा आने वाले कल से अगले दिन क्या है, क्रिसमस डे। क्रिसमस डे आपको पता होगा कब आता है, ये आपका जो क्रिसमस डे देर का है ये आता है बच्चों 25 दिसंबर को, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसने बोला यदि आज मंडे है तो ये पूछ रहा नव वर्ष किस दिन होगा, न्यू ईयर की बात कर रहा है। तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आए, आज की कल की यस्टरडे टुमारो ऐसी कोई बात करे, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है आओ वो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए कि आज की कल की ऐसी कोई बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप यहां पर लिखोगे टूडे। क्या लिखोगे, टूडे। टूडे का मतलब किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आज की। इसके आगे क्या लिखोगे, इसके आगे लिखोगे बच्चों टुमारो। टुमारो का मतलब क्या होता है, आने वाला कल। ठीक है, जो बीत गया कल उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं यस्टरडे। ये है आपका बीता हुआ कल। ये चीजें तो आप सबको पता होगी कि आज ये तो है आने वाला कल, इसको अपन कहते हैं टुमारो। ये जो बीत गया कल उसको अपन कहते हैं यस्टरडे। अब इसने क्या बोला, बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करोगे। हाँ जी, तो इसने बोला है कि आने वाले कल से अगला दिन, आने वाला कल, कल से अगला दिन क्या कह रहे। देखो पढ़ो क्वेश्चन को ढंग से, क्वेश्चन को पढ़ने से बात समझ में आएगी। इसने पूछा आने वाले कल से अगला दिन क्रिसमस डे है, आने वाला कल ये है, इससे अगला दिन क्या है, क्रिसमस डे है। तो यहां पर अपन क्या लिख देते हैं, यहां पर मैंने लिख दिया 25 दिसंबर। 25 दिसंबर का मतलब क्या है, क्रिसमस डे है। ठीक है, लेकिन अब इसने पूछा क्या, यदि आज मंडे है, यस्टरडे, आज बाहर क्या देर का बच्चों, यदि इसने बोला आज मंडे है तो यहां पर आप लिख लीजिए आज क्या देर का है आपको, आज आपको देर का है बच्चों मंडे। अब पढ़ो आगे क्या कह रहा, तो नव वर्ष किस दिन होगा, नव वर्ष का मतलब ये किसकी बात कर रहा है, 1 जनवरी की बात कर रहा है। बोला अब आप बताओगे 1 जनवरी का क्या बार होगा। अब एक बात बताओ, आज क्या है मंडे, आज मंडे है तो कल क्या होगा, कल होगा ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद में क्या आएगा, वेनसडे। मतलब 25 दिसंबर को आपको बार पता चल गया, मतलब क्रिसमस डे के दिन बार क्या है, वेनसडे दे रखा। तो इसने पूछा नव वर्ष मतलब 1 जनवरी। एक बात बताओ 25 दिसंबर के कितने दिन बाद में 1 जनवरी आ रही है, 7 दिन बाद में आ रही है। देखो जनवरी का महीना कितने दिनों का होता है, यदि किसी को ये बात पता नहीं है कौन सा महीने कितने कितने दिनों का, तो यहां से काउंट कर लेना। ये ऊपर वाला जो पार्ट दे रखे हैं ये 31 होते हैं और अंदर वाला कितने होते हैं, 30 के। तो जनवरी ऊपर का पार्ट है तो 31 का है। तब एक बात बताओ 25 से 31 6 और 1 दिन 7 दिन, इसका मतलब जो आपका 25 दिसंबर का बार देर का है वो सेम आएगा 1 जनवरी का। इसका मतलब बच्चों आपका आंसर क्या हो चुका है, वेनसडे। तो आपका राइट आंसर क्या आ चुका है, वेनसडे। चलिए कमेंट करके ये बताइए, ये बात आप सबको समझ में आ चुकी होगी, कोई इसके अंदर हार्ड चीज नहीं है,
क्या करना था इसके अंदर, मैं थोड़ा सा वापस बता देता हूं आपको। जब भी बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इतना ही लिखना है, टी का मतलब टुमारो और टी का मतलब टुमारो और टी का मतलब टुडे, और ये है आपका यस्टरडे। इसने पूछा आज बार क्या देर का है, तो आज इसने बोला है मंडे है। और अब आपका क्रिसमस डे कहां है, कहां पर देर का है, यहां पर। यदि आज मंडे है तो कल ट्यूसडे, और क्रिसमस डे को क्या हो जाएगा, वेनसडे। अब इसने पूछा नव वर्ष मतलब 1 जनवरी, यही से 7 दिन बाद में, जो आज बार है वो 7 दिन बाद में क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर भी वेनसडे है और यहां पर भी आपका क्या है, वेनसडे। तो आपका राइट आंसर आ चुका है बच्चों वेनसडे। बुधवार की बात कर रहा तो आप सभी का आंसर है बुधवार। चलिए तो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, चलो बच्चों चलो ये लो जी आपके सामने फिर से एक क्लॉक का क्वेश्चन आ चुका है। अपन 2-4 क्वेश्चन क्लॉक है और कैलेंडर दोनों टॉपिक से कर लेते हैं, ताकि किसी भी टॉपिक से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे, लेकिन आप 100% क्या करके आओ, सही करके आओ। हाँ जी, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ बता रहे हैं, चलिए। हाँ जी, ध्यान दीजिए, मैंने आपको अभी अभी कहा क्लॉक का क्वेश्चन, वैसे तो खूब टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पूरा टॉपिक पढ़े अपन तब पता चलता है, लेकिन आपका नॉर्मली जो अपन आज क्वेश्चन करे हैं वो एक क्वेश्चन किसका करा बच्चों, एक तो अपने करा है मिरर इमेज का, और अपने बात किसकी करी है, और अपने बात करी है वॉटर इमेज की। कभी भी एग्जाम के अंदर वॉटर इमेज का क्वेश्चन आए तो आप एक काम करना, 18-30 और या फिर 17-90 में से आपको क्या करना है, माइनस कर देना, आपका आंसर आपके साथ आ जाएगा, ठीक है। यदि मैं बात करता हूं मिरर इमेज का, कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, 11:60 मतलब 12 बजे में से आपको क्या करना है, माइनस। मतलब मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे आपको घड़ी का टाइम देके मिरर में पूछे, चाहे मिरर का टाइम देके घड़ी में पूछे, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, आपको एक ही काम करना है, क्या, इस टाइम में से 12 बजे में से माइनस कर दो। कैसा भी मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछे, सिंपल हार्ड कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, हर टाइम को आपको माइनस करना 12 बजे में से। 12 बजे में से माइनस करते ही आपका क्या होगा, चल जाएगा। सर आप ऐप में वीडियो नहीं चल रहे हैं, हाँ जी चलिए, तो अभी तो यूट्यूब पे देखो ऐप के सारे वीडियो चल जाएंगे, ठीक है चलिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि घड़ी का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब होता है घड़ी का फोटो आपको कांच के अंदर देखना है, तो ये कह रहा है कि घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है, दर्पण का मतलब मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है। क्या बोला इसने, इसने बोला कि जो घड़ी का डायग्राम है वो किसके अंदर देखना, आपको मिरर के अंदर। अब क्या बोला है कि घड़ी में उस टाइम टाइम हो रहा है 5:25, मतलब मैं सिंपल कह दूं तो यहां पर क्या दिखाई दे रही है, आपको एक घड़ी दिखाई दे रही है, और यहां पर एक क्या लगा हुआ है, मिरर। इसने इतने बोला कि घड़ी के अंदर टाइम हो रहा है बच्चों 5:25 का टाइम हो रहा है, तो इसने बोला है मिनट हुआ, अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे तो उस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय होगा। क्वेश्चन थोड़ा अजीब से पूछा है, ध्यान दो अजीब से कैसे पूछा, यदि मेरे को ये कहते कि घड़ी के अंदर टाइम हो रहा है 5:25 का, तो बताओ मिरर के अंदर टाइम क्या होगा। इसका वैसे सिंपल सा एक लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि राइट का पार्ट घूम के कहां चला जाता है, लेफ्ट में, और लेफ्ट का पार्ट घूम के कहां चला जाता है, राइट के अंदर। मतलब ये जो टाइम देर का है ये यहां पर आके लेफ्ट और राइट हो जाएगा, मतलब ये जो घड़ी का टाइम है मिरर के अंदर क्या टाइम होगा, इसमें से घटा तो मैंने क्या बताया था कि सभी टाइम को आपको घटाना है 11:60 में से, और या फिर आपको घटाना है 12 में से। मतलब ऐसा क्यों लिखा अपन ने, 11:60 का मतलब 12 ही होता है, मिनट देर की तो यहां से घटा दो, और बिना मिनट का टाइम है तो यहां पर आप घटा दो, ठीक है चलिए। लेकिन इस क्वेश्चन ने आपको पूछा क्या, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन ने ये पूछा कि 5:25 का टाइम हो रहा आपका इस घड़ी के अंदर, अब पूछा अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः आपको देखना है। इसने बोला इस घड़ी का टाइम देखा इस दर्पण के अंदर, लेकिन इस दर्पण को एक दूसरे दर्पण के अंदर आपको देखना है, और आपको फिर क्या बताना है, फिर आपको पूछना अब टाइम क्या हुआ, इस मिरर का आपको टाइम पूछा, घड़ी में टाइम क्या हो रहा है 5:25, इसको देखा अपन ने इस दर्पण के अंदर, फिर इस दर्पण के अंदर जो टाइम हो रहा अब इस दर्पण में देखकर आपको ये वाला आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो चलो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर देखो बच्चों, अपन ने इस मिरर के अंदर देखा जो आपका चेंज हुआ, वापिस इसमें करा तो चेंज का वापिस क्या हो गया, सही। कभी भी एक टाइम को दो बार मिरर के अंदर देखने का मतलब ये होता है कि बच्चों जो आपको एग्जाम के अंदर, जो आपको क्वेश्चन के अंदर टाइम देर का वो का वही आंसर है, 5:25 ही आपका क्या है,
आंसर है ऐसा क्यों हुआ, तो मैं ये भी बताता हूं आपको ऐसा क्यों हुआ। क्या मैंने कहा आपको 1160 में से आपको क्या करना है माइनस, आपने 1160 में से माइनस करा, टाइम आया 6:25, 1160 में से 5:25 माइनस करोगे तो आपके पास में आया 6:35, मतलब ये घड़ी थी इसको आपने जो ही 1160 में से माइनस करा तो आपका आंसर आ गया 6:35, बिल्कुल ठीक है। अब ये 6:35 फिर से माइनस करोगे तो फिर से आपका आंसर आ जाएगा 5:25। तो ध्यान रखना, ऐसे आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मली यदि कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो आपको एक ही काम करना, इस टाइम में से माइनस कर दो। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक घड़ी है, इस घड़ी को पहले एक मिरर के अंदर देखा, फिर उस मिरर को दूसरे मिरर के अंदर देखा, इसका मतलब वही टाइम है जो आपको पूछ रहे हैं। तो ये बात यदि आप सबको समझ में आ चुकी है तो चलते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सबको समझ में आ चुकी है, एक टाइम को दो बार मिरर में देखने का मतलब होता है क्वेश्चन के अंदर जो टाइम है वही आपका क्या है, आंसर है। तो मैंने आज आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं कराए, जो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर, बिल्कुल एकदम मॉडिफाई क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों की अपन ने बात करी, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन होता तो घटाते ही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने बच्चों। लो जी, ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का। जब अपन ने क्लास स्टार्ट करी थी, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डायरेक्शन भी आता है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल आपके डायरेक्शन भी आता है, और ये आपका डायरेक्शन का बिल्कुल एकदम अच्छा क्वेश्चन। मैंने एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ताकि एग्जाम के अंदर जो पेपर आएगा वो जो आज के क्वेश्चन कर रहे हैं इन क्वेश्चनों से आसान ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपको डायरेक्शन का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये आपकी इस प्रकार से डायरेक्शन होती है, इसको अपन कहते हैं नॉर्थ मतलब उत्तर, इसको अपन कहते हैं साउथ मतलब दक्षिण, इसको अपन कहते हैं ईस्ट मतलब पूर्व, और ये है आपकी वेस्ट मतलब पश्चिम। ये आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपको डायरेक्शन पता है तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन ध्यान रखना, एग्जाम देने जाओगे UPCHO का 100% आपको क्या मिलेगा, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं कि नहीं आए, 100% आएगा आपको। और क्या करना है, बड़ा सिंपल है, जैसे जैसे ये बोले वैसे वैसे आपको चलाना, ये बोले ईस्ट के अंदर चलाना तो ईस्ट में चला दो, ये बोले वेस्ट में चलाना तो वेस्ट में चला दो। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो ये कह रहा है एक आदमी अपनी कार से क्या कर रहा, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। पूर्व का मतलब किसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, किस में जा रहा है, ये ईस्ट के अंदर। अब एक बात बताओ, ईस्ट कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, तो ये एक आदमी कार चला रहा है, ये किधर चला गया, इसने बोला कार से वो पूर्व की दिशा की तरफ गया, पूर्व मतलब ईस्ट की बात कर रहा है, ईस्ट में चला गया, ईस्ट में गया कितना डिस्टेंस, कितना देर का है, 50 किलोमीटर। अब इसने बोला है वो राइट साइड में मुड़ेगा, राइट साइड किधर होता है, तो ध्यान रखना जिस साइड आपकी घड़ी की सुइयां घूमती है वो राइट साइड होती है, जिस साइड घड़ी की सुइयां नहीं घूमती है वो कौन सी साइड होती है, लेफ्ट साइड। आगे मेरी बात समझ में, मैंने क्या कहा कि जिस साइड घड़ी की सुइयां घूमती है उसको अपन क्या कहते हैं, राइट साइड, और जिस साइड घड़ी की सुइयां नहीं घूमती है उसको अपन क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड। तो आपको पता होगा कि घड़ी की सुइयां कौन सी दिशा के अंदर घूमती है और घड़ी की सुइयां कौन सी दिशा के अंदर नहीं घूमती है। ध्यान दो, कुछ बच्चे क्या करेंगे लेफ्ट और राइट के अंदर क्या करेंगे, गलतियां करेंगे, तो मैं बता दूं, ध्यान दो, ये आप सबको दिखाई दे रही है घड़ी। हाँ जी, तो अब आपको पता होगा कि जो मिनट हैंड है, मिनट की सुई है, वो 12 से इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, कभी भी उल्टी साइड में घड़ी नहीं जाती है। जिस साइड घड़ी की सुइयां घूमती है वो साइड कौन सी होती है, राइट साइड, और जैसे घड़ी की सुइयां जिस साइड में नहीं घूमती है। अब ध्यान देना, हाँ जी सभी ध्यान दो, ये जो सेकंड वाली सुई है किधर जा रही है, नीचे की साइड जा रही है, जिस साइड सुइयां घूमती राइट साइड में। अब जैसे ये सेकंड वाली सुई ऊपर नहीं जा रही तो ऊपर की आपकी क्या है, लेफ्ट साइड है। आगे सबको बस मैंने प्रैक्टिकल करके समझा दिया, आप सबके पास में घड़ी होगी, इस घड़ी को देख सकते हो, जिस साइड घड़ी की सुइयां घूमती है उसको अपन कहते हैं राइट साइड, और जिस साइड घड़ी की सुइयां नहीं घूमती है उसको अपन कहते हैं लेफ्ट साइड। एग्जाम के अंदर जब भी बच्चों डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आप एक ही गलती करोगे, क्या करोगे, लेफ्ट एंड राइट के अंदर जो ही आप गलती करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत। तो आपको ऐसा नहीं करना, जो ही आप जहां पर खड़े रहते हो सोचो कि अब एक आदमी है जो ईस्ट के अंदर आके खड़ा रह गया, ईस्ट का मतलब क्या है, देखो ये आपके सामने एक क्या है बच्चों, घड़ी है, यहां पर कितनी बजती है 12, यहां पर बजती है 3, यहां पर बजती है 6 और यहां पर बजती है 9। अब एक बात बताओ, ईस्ट का मतलब अपन खड़े कहां पर है, पूर्व में खड़े, अब नीचे जा रहे हैं मतलब घड़ी की साइड में जा रहे हैं, मतलब राइट साइड के अंदर मुड़ना है आपको, तो इसने यही बोला ईस्ट में जाने के बाद में वो क्या करेगा, राइट साइड में मुड़ेगा, राइट साइड मतलब नीचे की साइड में मुड़ेगा, ये मोड़ दिया अपन ने राइट साइड के अंदर, चलाओगे कितना डिस्टेंस, कितना देर का है, डिस्टेंस आपको देर का है बच्चों 30 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना देर का है, 30 किलोमीटर आपको देर का है।
अब इसने बोला फिर वो वेस्ट की साइड में मुड़ेगा, फिर टर्न किधर लेगा, बोला वेस्ट की साइड में मोड़ना। वेस्ट मतलब ये देखो, इसको अपन कहते हैं नॉर्थ, इसको अपन कहते हैं ईस्ट, इसको अपन कहते हैं साउथ, और इसको अपन कहते हैं वेस्ट। वेस्ट मतलब इस साइड में। इसने बोला आपको क्या करना, वेस्ट की साइड के अंदर मोड़ना है, और वेस्ट की साइड में इसने बोला आप कितना मोड़ोगे, 10 मीटर। तो एक बात को समझना मेरी, वेस्ट की साइड में आया ये 10 मीटर, डिस्टेंस कितना देर का है, 10, बिल्कुल ठीक है। अब इसने पूछा है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, क्या बोला इसने, हाउ, हाँ ये कह रहा है आपको पूछा स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि हाउ फॉर इन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये पूछ रहा है यहां पर जो आदमी खड़ा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ढंग से समझना क्वेश्चन को, क्या कह रहा है ध्यान दो। ये कह रहा अब तो आदमी यहां पर खड़ा है, इसके लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, और ये डिस्टेंस कैसे निकाल पाओगे, सिंपल क्वेश्चन नहीं है एकदम से, ठीक है। कुछ बच्चे 60 बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल एकदम अच्छा क्वेश्चन है, सोचो इसके बारे में आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, सोचो। हाँ जी, एग्जाम के अंदर मान लो इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं ए ऑप्शन की बात करें, चलो ध्यान दीजिए। इसने क्या पूछा यहां पर, वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एस का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ई का मतलब एंड वाला पॉइंट ये है, क्या इसके बीच की आप सीधी दूरी बता सकते हो, कैसे बताओगे सीधी दूरी, ध्यान दीजिए। अब जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता है, तो जब आपने छोटी क्लासें पढ़ी थी तो आपने थ्योरम पढ़ी होगी, थ्योरम हिंदी में कहते हैं परमेय, इसको अपन कहते हैं बच्चों बेस, इसको अपन कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको अपन कहते हैं हाइपोटेंस, ठीक है। तो अब आपको ये वाली साइड निकालनी, ये वाली साइड अपन कैसे निकालते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करते हैं, तो ये साइड आती है आपके पास में, ये चीज आपको पता होगी। लेकिन आपको सबसे पहले दो चीजें चाहिए, एक तो आपको चाहिए बेस, और एक आपको चाहिए परपेंडिकुलर, मतलब आधार चाहिए, लंब चाहिए, फिर आप हाइपोटेंस मतलब करण को आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, मैं एक काम कर सकता हूं आपके लिए आसान, ये मैंने एक लाइन बना दी, मतलब ये इधर वाला कितना है 30, तो ये भी साइड कितनी हो चुकी है 30। अब आपको एक साइड मिल चुकी है 30, तो मेरी बात को समझना बच्चों, ये जो ऊपर वाली साइड है ये पूरी कितनी है 50, इसका मतलब 10 के सामने 10, इसका मतलब इधर कितनी बची है 40। अब आप निकाल सकते हो, आपके पास में आधार मिल चुका, आधार कितना है 40, लंब कितना है परपेंडिकुलर 30। तो आपको जब भी करण निकालना हो, हाइपोटेंस निकालना हो, तो आप क्या करोगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर करोगे, तो आपके सामने ये वाली साइड आ जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करके आप बता सकते हो ये वाली साइड आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, तो ध्यान दीजिए ऐसे सॉल्व करते हैं कि जब भी आपको एच का मतलब जब भी आपको करंट निकालना हो, तो आप क्या करोगे, आधार का स्कोर मतलब नीचे वाली साइड, बेस का स्कोर प्लस पी का स्कोर। तो बेस आपके पास में कितना देर का है बच्चों, आपको क्या करना है, 30 का स्कोर प्लस 40 का स्कोर, क्या करना है, 30 का स्कोर प्लस 40 का स्कोर। यदि आपसे 30 का स्कोर यदि आपको नहीं करना आता तो कोई बात नहीं, 3 का स्कोर तो सबको करना आता होगा, 3 का स्कोर कितना होता है बच्चों 9, तो अब इसके आगे लगा दो 00। 4 का स्कोर कितना होता है 16, मतलब लगा दो 00। लो जी, अब ध्यान दो, अब एक काम करो, 1600 और 900 कितने होते हैं 2500, कितने होते हैं 2500, तो ध्यान होना चाहिए आपको कि 2500 किसका स्कोर होता है, तो 2500 बच्चों स्कोर होता है आपका 50 का, तो ये वाली साइड आपकी कितनी आ चुकी है बच्चों 50, 50 किलोमीटर आ चुकी है। तो इस क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करा जाता है, मैंने आज बिल्कुल एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं लिए हैं जिससे आप बड़े खुश हो जाओ, नहीं, एग्जाम के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। सर कंफ्यूज है अगेन, हाँ जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं कंफ्यूज हो जाए, हो चुके हैं, कंफ्यूज की कोई बात नहीं, डायग्राम आपका कैसा बनेगा, ये बन चुका है डायग्राम आपके सामने, लॉजिक ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है बच्चों कि ये है आपका एंड वाला पॉइंट और ये आपका है स्टार्टिंग पॉइंट। इसने पूछा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ये निकालने के लिए आप सबको पता होगा, आपने डायरेक्शन जब भी पढ़ा होगा या फिर आपने तीसरी क्लास या चौथी क्लास के अंदर आपने ये ट्रायंगल पढ़ा होगा, थ्योरम पढ़ी होगी, परमेय पढ़ी होगी। इसको अपन क्या कहते हैं बेस, इसको अपन कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको अपन कहते हैं हाइपोटेंस। जब भी आपको ये बड़ी वाली साइड निकालनी होती तो अपन क्या करते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करते हैं। तो ध्यान दो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब आप क्या करोगे, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास में ये वाली साइड आ जाएगी। कैसे करा होगा ध्यान दीजिए, आपने करा होगा बच्चों 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपके पास में 900, और 40 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 1600। तो अब एक बात बताओ, 1600 और 900 कितने होते हैं, ये होते हैं 2500। आप सबको पता होगा कि 2500 किसका स्कोर होता है, ये होता है 25, 50 का।
तो आपकी ये साइड आएगी 50। बिल्कुल सिंपल, आजकल पेपर नहीं आते एग्जाम के अंदर, क्योंकि कोरोना काल के अंदर बच्चे घर पे बैठे बैठे बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आजकल एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आएंगे बड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको अच्छी अच्छी चीजें ही आपको पढ़ के जानी है। बिल्कुल ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो ये बात सबको समझ में आ चुकी होगी, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, लो जी, अगला क्वेश्चन आ चुका है बच्चों आपके सामने। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके साइंस का क्वेश्चन है, जो कि आप यूपीसीएचओ का एग्जाम देने जाते हो, जा रहे हो, इसका मतलब आप सारे के सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट हो। ये क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चे कर सकते हो। ये कहते हैं ऑर्निथोलॉजी का मतलब आगे देर का है पक्षी, और अब कह रहा है एंथ्रोपोलॉजी के बराबर में क्या आएगा। तो ध्यान दीजिए, एक आपका टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है बच्चों एनालॉजी। एनालॉजी हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है सादृश्यता। ये कहता है, इस चैप्टर का रूल ये है, ये कहता है फर्स्ट के बीच में और सेकंड के बीच में क्या रिलेशन है, वो का वो रिलेशन आपको लगाना है थर्ड के साथ में। आई मेरी बात समझ में? इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आता है तो ये कहता है फर्स्ट के बीच में और सेकंड के बीच में रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आपको पूछा गया है वो का वो सेम रिलेशन आपको तीसरे के साथ में आपको लगाना है। हाँ जी, हाँ जी। अब ये कह रहा है, ये कह रहा है ऑर्निथोलॉजी के बराबर में आपको क्या दे रखा है पक्षी। मतलब एक बात सोचो आप, इन दोनों के बीच में ऑर्निथोलॉजी और बर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन है, वैसा का वैसा रिलेशन इसने पूछा है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होगा, ये बिल्कुल आपके बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है, जो कि आप सभी बच्चों का मैं चेक कर रहा हूं क्या सभी बच्चे इसको सही बता रहे हैं या फिर नहीं बता रहे हैं। हाँ जी, ए ऑप्शन बता रहे हैं कुछ बच्चे, बिल्कुल प्लांट्स गलत है। पौधों का जो अध्ययन होता है उसको अपन एंथ्रोपोलॉजी नहीं कहते हैं, ये रॉन्ग है मतलब। हाँ जी, पूनम यादव ने बताया है ए आंसर, खूब सारे बच्चे कह रहे हैं प्रियंका पाल। हाँ जी, कुछ बच्चों ने मोनिका सजिता, कुछ बच्चों ने ए आंसर बताया जो कि आपका गलत था। चलो बताइए, बायोलॉजी का स्टूडेंट है जल्दी से कमेंट करके, और जल्दी से बताओ बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, कमेंट करो जल्दी से। हाँ जी, जिन्होंने ए आंसर बताया उनका बिल्कुल क्या है, रॉन्ग आंसर है ए आंसर वालों का, जल्दी से करो कमेंट भाई। हाँ जी, ए आंसर बता रहे हैं, ए वालों का सभी का क्या है गलत आंसर, बिल्कुल साइंस का क्वेश्चन आया है रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग कहती है कि इन दोनों के बीच में जो आपका रिलेशन है वो का वो रिलेशन आपको क्या करना है, सेम बताना है। एंथ्रोपोलॉजी किसके अध्ययन को अपन कहते हैं। हाँ जी बताइए, जल्दी से कमेंट करो बच्चों और बताइए। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं। हाँ जी, जल्दी से बताओ। हाँ जी, ए आंसर बताएं बस, ए के आगे किसी ने आंसर। हाँ जी, कुछ बी भी बता रहे हैं, कुछ डी भी बता रहे हैं। चलो, कुछ बता रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है पर्यावरण, एनवायरमेंट। तो इसका मतलब तो आपके माड़े हाल है, बहुत खराब हाल चल रहे हैं। ये चीजें यदि आपको पता नहीं, क्योंकि ये तो साइंस की चीज है, बायोलॉजी की चीज है, चलिए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। हाँ जी, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं मानव का जो अध्ययन करते हैं उसके बारे में अध्ययन करने वालों को अपन कहते हैं एंथ्रोलॉजी, और ऑर्निथोलॉजी किसको कहते हैं, पक्षियों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, और बाकी सारे के सारे आपके गलत ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन आएगा, जो कि कुछ बच्चों ने डी बताया है, कुछ बच्चों ने सी बताया है, कुछ ने अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर दिए हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगले क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देता हूं। चलिए, लो जी, ये बड़ा ही एकदम जबरदस्त क्वेश्चन कहते हैं ना, मतलब एकदम बढ़िया यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। किसका? आईएएस लेवल का, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिए। बिल्कुल जो आज के आपके क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल आपका कैसा होगा, हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे। यदि आपने आज के इस पेपर को यदि आपने अच्छे से कर लिया तो 100% ये है कि एग्जाम के अंदर जितने रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आप 100% आप सही करके आओगे। हाँ जी, इकोलॉजी एनवायरमेंट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ जी, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ जी, ये बिल्कुल एकदम अच्छे लेवल का क्वेश्चन कहते हैं ना, ये क्वेश्चन है, आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी, सबसे पहले इसने पूछा कि एक घन, किसकी बात कर रहा बच्चों, ये बात कर रहा है क्यूब की, ठीक है, घन, घनाभ और डाइज। ये आपका किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ये डाइज नाम का जो टॉपिक है वहां से एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन वैसे यूपीएससी के अंदर आते हैं इस पैटर्न के क्वेश्चन, और एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी आते हैं, लेकिन मैं आपको यही बता देता हूं कि आपके हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, एकदम अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन आ जाए, तो आप सॉल्व कैसे करोगे। चलिए, हाँ जी, तो इसने क्या बोला है कि एक घन की तीन स्थितियां दी गई है, और घन किसी भी सतह को 1 से 6 तक की संख्याओं में दर्शाया गया है, और अब कह रहा है कि घन को खोलने पर निम्न में से कौन सा घन बनेगा।
ये कह रहा है कि ये आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। अब कह रहा है यहाँ पर जो हम डायग्राम बनाएंगे वो कौन सा डायग्राम बनेगा, इसको सोल्व कैसे करते हैं, वो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ध्यान दो, ये जो आपको ऊपर वाले बच्चों तीन डाइज दे रखे हैं, ये तो आपके कैसे हैं, बंद डाइज है, कैसे हैं, क्लोज वाले डाइज। और जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन आपके कैसे हैं, ऑप्शन है आपके ओपन डाइज, ऊपर वालों को खोल के, और नीचे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है जिसको अपन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर अपन रख सकते हैं। यदि किसी को एकदम ये क्लियर डायग्राम नहीं दिख रहा तो मैं बता दूंगा क्लियर डायग्राम आपको क्या कहना चाहता है। सर डायग्राम शो नहीं हो रहा है, तो मैं पहले से ही कह रहा हूं डायग्राम अच्छी तरह से शो नहीं हो रहा है। हाँ जी, चलिए तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व बच्चों ऐसे करोगे आप, ध्यान दो पहले इसको सॉल्व कैसे करोगे। ये तो आपके पास में ऑप्शन है, ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, ये आपका सेकंड नंबर ऑप्शन है, ये थर्ड नंबर ऑप्शन है, ये फोर्थ नंबर ऑप्शन है। तो आपको ये बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसके लिए क्वेश्चन आपके पास में ये है, मेरे को पहले आप ये बताओगे, ये आपके पास में फर्स्ट और सेकंड जो आपको दो डायग्राम दे रखे हैं, मैं यहां पर बना देता हूं अच्छे से। हाँ जी, मैं एक बार इन तीनों के तीनों डायग्राम जो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं यहां पर बना देता हूं। ध्यान दो, ये पहला डायग्राम आपको दे रखा है, कौन सा दे रखा बच्चों, पहला। यहां पर आपको लिख रखा है थ्री, यहां पर दे रखा टू, और यहां पर दे रखा फाइव। ये कौन सा डायग्राम है, एक नंबर। चलो दो नंबर डायग्राम आपको क्या कह रहा है, ये है आपके पास में सेकंड नंबर डायग्राम आपको दे रखा है बच्चों, और सेकंड नंबर के अंदर बोला गया है तीन, पांच और एक। ये लो जी आपका सेकंड नंबर डायग्राम। आओ थर्ड नंबर डायग्राम क्या कह रहा है। हाँ जी, तो बच्चों ये है आपके सामने थर्ड नंबर डायग्राम जो कि आपको बता रहा है फोर थ्री और टू की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिए इसको आप सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले बच्चों क्या होगा, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व यदि आपसे नहीं हुआ तो आप नहीं बता पाओगे। जब भी इस प्रकार के यदि कभी तीन डाइज आ जाए, तो यहां पर देखो कितना डाइज है, तीन। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, सिंगल डाइज का आ सकता है, डबल का आ सकता है, तीन का आ सकता है, चार डाइज तक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए। तो एक बात बताओ, ये कितने डाइज का है, तीन डाइज का। चाहे दो का हो, चाहे तीन का हो, चाहे चार का हो, कैसा भी है, उन सबके लिए मैं कॉमन चीज बता देता हूं। इन दोनों के अंदर एक काम करो, इन दोनों में से कॉमन वैल्यू कौन सी है, कॉमन नंबर कौन से हैं, किसकी बात पूछी मैंने आपको, कॉमन है। तो यहां पर ध्यान दो, कॉमन दो चीज है, तीन और पांच, तीन और पांच। तो एक बात मेरे को समझ में आई कि मैं तीन और पांच को, तीन और पांच को कट कर दूं तो एक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक का ऑपोजिट हो जाएगा दो, और दो का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। लेकिन यहां पर मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तीन का ऑपोजिट क्या होगा और पांच का ऑपोजिट क्या होगा। इसलिए ऐसा कोई क्यूब पकड़ो, ऐसा कोई डाइज पकड़ो जिसके अंदर एक नंबर कॉमन हो, क्या हो बच्चों, एक नंबर ही आपका कॉमन हो, उस क्वेश्चन को आपको पकड़ना है। मैं यदि इन दोनों को पकड़ाऊं, सोल्व दो ही होते हैं, तीन तो आपको ऐसे ही दे रखे हैं, आपके काम में कितने आएंगे, दो ही डाइज आपको काम में लेना है। तो ध्यान दीजिए, ये आपके पास में दोनों डाइज है, आप मेरी बात को समझो, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है। तो आप कहोगे सर इन दोनों के अंदर कॉमन दे रखा थ्री, लो जी इसके ऊपर करो सर्कल, कॉमन क्या दे रखा थ्री। तो थ्री को उठा के आप क्लॉक वाइज में घुमा दो, घड़ी की दिशा के अंदर घुमा दो, तो मेरे को एक बात समझ में आ रही है, यहां से मैंने लिया थ्री, और थ्री के बाद में घड़ी की दिशा में क्या आएगा पांच, और पांच के बाद आएगा एक। यहां पर कॉमन के ऑपोजिट में क्या लोगे, कॉमन का ऑपोजिट कॉमन है, मतलब तीन के सामने क्या लोगे तीन, और तीन के बाद घड़ी की साइड में चार, और चार के बाद में दो। अब इस बात को समझ रहे, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, ध्यान दो बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि एक का ऑपोजिट क्या आएगा, एक का ऑपोजिट दो आएगा। देखो यहां से भी अपन चीज को समझ चुके हैं, एक का ऑपोजिट क्या देर का है दो, या फिर दो का ऑपोजिट क्या देर का है एक। और मेरे को यह बात भी समझ में आ चुकी है कि पांच का ऑपोजिट क्या देर का चार। तो आप कहोगे क्या तीन का ऑपोजिट तीन होता है क्या, बिल्कुल रॉन्ग आंसर, तीन का ऑपोजिट तीन नहीं होगा। जो आपको नंबर नहीं दिखाई दे रहा, एक गन गनाब और पासे पर कितने नंबर दिखाई देते हैं, एक से लगा करके छह तक, एक दो तीन चार पांच और छह, छह तक नंबर दिखाई देना चाहिए। तो यहां पर एक दिख रहा, दो दिख रहा, चार दिख रहा, तीन दिख रहा, कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा, छह। इसका मतलब तीन का ऑपोजिट तीन नहीं होगा, तीन का ऑपोजिट कौन सा होगा, छह। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर इतना ही पूछ लेता कि आप ये बताओ कि तीन का ऑपोजिट क्या होगा, तो तीन का ऑपोजिट क्या होगा, छह। अब मेरी बात को समझो, आओ इस क्वेश्चन को अपन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। यदि आपने क्यूब कभी भी एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत यदि आपने पढ़ रखा है तो इस बात का ध्यान रखना कि तीन के ऑपोजिट छह है। यदि मैं तीन यहां पर लिख देता हूं और छह इसके पीछे ऑपोजिट में रहेगा, या तो आपको तीन दिखाई देगा या छह दिखाई देगा, दोनों दिख रहा है इसका मतलब गलत ऑप्शन है। ठीक है, या तो आपको पांच दिखाई देगा या चार दिखाई देगा। क्यों?
क्योंकि यदि मैंने चार यहाँ पर लिख रखा है, इसके पीछे पांच लिखा, तो या तो पांच दिखेगा या चार दिखेगा, दोनों एक साथ में नहीं दिखेगा। तो आओ ऑप्शन को चेक करते हैं बच्चों, अपन ऑप्शन को चेक कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। अब पहला क्वेश्चन देखो, यहां पर ध्यान दो आप, ये कह रहा है कि चार का ऑपोजिट क्या आएगा, एक। क्या चार के ऑपोजिट में एक आ सकता है? क्या चार के ऑपोजिट में एक नहीं आ सकता है? इसका मतलब आपका एक नंबर ऑप्शन तो क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। चार के ऑपोजिट में एक नहीं आएगा, चार के ऑपोजिट में क्या आएगा, पांच आएगा। इसका मतलब ऑप्शन आपका ये रॉन्ग है। अब मैं बात करूं पांच का ऑपोजिट चार, क्या पांच का ऑपोजिट चार है कि नहीं है? इसको आपको, ये तो है बंद डाइज, ये है खुले, इनको वापिस अपन पैक कर रहे हैं। और पैक करोगे तो कैसा होगा, पांच का ऑपोजिट चार हो जाएगा और तीन का ऑपोजिट एक हो जाएगा और दो का ऑपोजिट छह हो जाएगा। क्या ऐसा हो रहा है क्या? ये वाला डायग्राम आपको ये समझा रहा है, ये वाला डायग्राम क्या समझा रहा है, ये कह रहा है कि पांच का ऑपोजिट तो चार आएगा और तीन का ऑपोजिट क्या आएगा, एक आएगा, और दो का ऑपोजिट क्या आएगा, छह आएगा। क्या ऐसा है क्या, छह का ऑपोजिट दो और दो का ऑपोजिट छह है? नहीं, तीन का ऑपोजिट है छह। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है बच्चों, रॉन्ग हो चुका है। क्या हो चुका है, रॉन्ग। चलो यहां पर मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं बोर्ड के ऊपर सारी की सारी चीजें लिख रहा हूं। ये कह रहा है छह के ऑपोजिट तीन, ये कह रहा है कि छह के ऑपोजिट में क्या होना चाहिए, तीन होना चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है चार के ऑपोजिट में एक, क्या चार के ऑपोजिट में एक होना चाहिए? नहीं जी, चार के ऑपोजिट में पांच होना चाहिए। हाँ जी, ये भी ऑप्शन आपका गलत है भाई, नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर ऊपर लिख रहा हूं ये चीजें, ठीक है। चलो अब ये कह रहा है चार का ऑपोजिट पांच, ये बात बिल्कुल सही है कि चार का ऑपोजिट क्या होना चाहिए, पांच। ये कह रहा है एक का ऑपोजिट दो, एक का ऑपोजिट दो, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है छह का ऑपोजिट तीन, तो छह का ऑपोजिट तीन, ये एक ही डायग्राम सही था, बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या थे आपके, गलत थे। अपने ये प्रूव करके देख लिया था, ध्यान दो तीन का ऑपोजिट छह है, बिल्कुल ये बात सही है कि नहीं है, सही है। पांच का ऑपोजिट चार या चार का ऑपोजिट पांच, ये बात भी सही है। एक का ऑपोजिट दो या दो का ऑपोजिट एक, इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा हो चुका है, सही ऑप्शन हो चुका है आपका डी नंबर ऑप्शन, आपका 100% बच्चों क्या है, सही। आपने एकदम प्रूव करके देख लिया कि डी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपका सिलेबस का पार्ट है, क्यूब एंड डाइज नाम का टॉपिक आपको दे रखा। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों आपके सामने। लो जी, आपको क्वेश्चन पूछा गया है रैंकिंग ऑर्डर, रैंकिंग नाम का आपका एग्जाम के अंदर क्या दे रखा है, एक टॉपिक दे रखा, जिस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, रैंकिंग। तो ध्यान रखना, रैंकिंग के क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, इनको सॉल्व अपन कैसे करते हैं। आपने यदि इस टॉपिक को कभी भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपको इतना पता है कि राइट कौन सा होता है, लेफ्ट कौन सा होता है, यदि आपको राइट एंड लेफ्ट यदि आपको पता है, तो इस क्वेश्चन को आप 100% क्या कर लोगे बच्चों, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इसको आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। सर आप रीजनिंग बहुत है अच्छी पढ़ा, तो धन्यवाद। चलिए अब इस टॉपिक के अंदर आपने रैंकिंग का जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि हमने पढ़ा ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा जैसा ये कह रहा है वैसा वैसा आपको क्या करना है, सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करोगे ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि जन्मदिन की एक पार्टी में राम लेफ्ट साइड से, आपको इतना तो पता है लेफ्ट और राइट कौन सा होता है, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा हाथ कौन सा राइट और ये हाथ कौन सा लेफ्ट, आपका भी ये हाथ कौन सा है राइट और ये हाथ कौन सा लेफ्ट। तो मैं एक लाइन बना देता हूं, यहां पर क्या बना दी मैंने, एक लाइन बना दी। ये लो जी, आप सभी बच्चों का, जितने के जितने बच्चे इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, उन सभी बच्चों का ये हाथ कौन सा है, इस हाथ को आप कहोगे आर का मतलब ये है राइट साइड आपकी और ये है आपकी लेफ्ट साइड। इसने जैसा बोला वैसा अभी तक अपन ने बना दिया। अब इसने बोला है कि राम लेफ्ट साइड से 36वें नंबर पर पोजीशन पर खड़ा है, ये लेफ्ट साइड है। इस साइड से यदि आप देखोगे तो कौन बैठा है बच्चों, यहां पर बैठा है राम, और राम की पोजीशन कौन सी है, राम की पोजीशन है बच्चों 36। ये बात सही है क्या, जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा का वैसा अपन ने लिख दिया है। इसने बोला है कि राम की लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन है, 36 लिख दिया। चलो आप पढ़ो, कह रहा कि सोवन राइट साइड से कौन सी पोजीशन पर खड़ा है, 48 पर। तो ध्यान दीजिए 48वें नंबर पर पोजीशन, 48वें नंबर पर कौन खड़ा है, ये खड़ा है, मैं एस लिख रहा हूं, एस का मतलब कौन होगा, सोवन होगा। ये बात भी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, इतना बोला कि राम की लेफ्ट साइड से 36वें नंबर पर पोजीशन है और सोवन राइट साइड से कौन से नंबर पर खड़ा है, 48 पर। अब इसने बोला क्या है, जब वो आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, क्या बोला है, एक्सचेंज कर लेते हैं पोजीशन, क्या करता है,
पोजिशन को क्या कर रहे हैं बच्चों, एक्सचेंज कर रहा है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर जी, क्वेश्चन फर्स्ट में हाँ जी जे की जगह एच आएगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी सरोज कुमारी ने अभी देखा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इतने लेट चल रहे हो क्लास के अंदर, आगे आओ, क्लास बहुत आगे जा चुकी है। हाँ जी ध्यान दीजिए, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतने बोला कि राम की लेफ्ट साइड से 36 और सोवन की राइट साइड से 48 है। अब कह रहा दोनों आपस में क्या कर रहा है, जगह चेंज कर रहा है। अब मेरी बात को समझना। हाँ जी बच्चे पूछ रहे हैं, जानवी चौधरी ने पूछा ऑफलाइन बैच कब स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर को, ठीक है। चलिए इसने बोला ये जगह दोनों चेंज कर रहा है, देखो जगह जब भी चेंज करता है, पोजिशन जब भी चेंज करता है, तो ये रैंक कभी भी नहीं जाती है। ये जो यहां पर कौन बैठा राम, इसकी जगह पर कौन आ जाएगा श्याम, और ये जो सोवन बैठा है, सोवन की जगह पर कौन आ जाएगा राम, इसको कहते हैं पोजीशन चेंज। जैसे आप किसी बस के अंदर बैठे हो, तो जब भी आपको बोले कि आप जगह चेंज कर लो, तो जगह चेंज का मतलब क्या होगा, आप सीट से उठ के चले जाओगे या फिर सीट को ही साथ में लेके जाओगे, आप उठ के चले जाओगे। उसी प्रकार इसने बोला कि ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज का मतलब राम यहां पर चला जाएगा, सोवन यहां पर आ गया। अब बदलने के बाद में हुआ क्या, ध्यान दो। अब कह रहा है कि राम का स्थान लेफ्ट साइड से 48वें नंबर पर हो जाता, राम ये है ना, कह रहा है कि राम का लेफ्ट साइड यही है ना, कह रही राम की लेफ्ट साइड से ये रैंक हो जाएगी 48। अब इस बात को समझना, यदि राइट साइड से देखा जाए तो राम की रैंक कौन सी है, 48वें नंबर 48, यदि राम की लेफ्ट साइड से देखी जाए तो 48। इसका मतलब राम बेटा कहां पर है, राम बेटा यहां पर बीच में, राम को राइट से देखा जाए तो 48, लेफ्ट से देखा जाए तो 48। इसका मतलब राम कितनी बार काउंट हो रहा है, राम काउंट हो रहा बच्चों 2 बार, लेफ्ट से भी राम काउंट हो रहा है और राइट से भी राम क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो अब इसने लास्ट में आपको पूछा क्या, इस बात के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, गौर करो। इसने पूछा है तो सोवन की राइट साइड से नया स्थान क्या होगा, सोवन ये बेटा ना, ये पूछ रहा, अब सोवन की इस साइड से रैंक क्या होगी, ये कैसे बता पाओगे आप, ये थोड़ा सा आपको सोचना है, बाकी इसके अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि इसने जैसा बोला वैसा आपने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। चलो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यहां से लगा करके यहां तक टोटल कितने कैंडिडेट बैठे, टोटल कैंडिडेट में से अपन यदि 36 माइनस करें तो इसके पीछे वाले कैंडिडेट बचेंगे, रैंक आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन को टोटल निकालना है, सबसे पहले अपन को क्या करना है बच्चों, टोटल फाइंड आउट करना। टोटल कैसे निकाल पाओगे, आपको पता है यहां से लगा करके यहां तक 48 और इसके पीछे भी 48, तो अपन एक काम करते हैं 48 प्लस 48 करते हैं तो आपके पास में आया 96। क्या टोटल इस रो के अंदर 96 है, नहीं जी, इस राम को आपने कितनी बार काउंट करा, 2 बार, एक तो राम को इस साइड से भी काउंट कर लिया, एक राम को इस साइड से भी काउंट कर लिया, तो इसलिए इसमें से एक माइनस करोगे तब आपके पास में आएगा 95, और ये 95 ही आपके पास में क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हो चुके हैं 95। चलो अब मेरे को एक बात पता चल चुकी, यहां से लगा करके यहां तक टोटल कैंडिडेट कितने हैं 95, यहां से लगा करके यहां तक कैंडिडेट कितने हैं बच्चों 95, और 95 में से यहां तक कितने कैंडिडेट बैठे हैं 36 बैठे हैं, तो आप पीछे वाली पोजीशन अपन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है बच्चों, ये जो आपको टोटल दे रखे 95, इस 95 में से आप जो 36 माइनस करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 59। कितना आया आपके पास में 59 आंसर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे ये वाली जो लाइन बैठी है इसके अंदर कैंडिडेट कितने बैठे हैं 59, लेकिन आपको पूछा कि सोवन की राइट साइड से नया स्थान क्या होगा, तो 59 तो ये एक सोवन, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 60 आंसर आएगा। ध्यान रखना बच्चों, आपका आंसर 59 भी देर का ऑप्शन के अंदर लेकिन नहीं होगा, आपका राइट आंसर क्या होगा 60 होगा, क्यों, इसके पीछे पीछे कैंडिडेट कितने बैठे हैं 59, लेकिन इस खुद की रैंक कौन सी होगी, खुद की पोजीशन कौन सी होगी, खुद की पोजीशन होगी, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा 1+ करना पड़ेगा, इसके पीछे पीछे कैंडिडेट बैठे हैं 59, लेकिन आपको तो पूछा सोवन की पोजीशन, तो सोवन के अंदर एक जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60, वही आपका क्या है राइट आंसर है। चलिए हाँ जी, यहां तक आप सभी को बात समझ में आ चुकी होगी, तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। लो जी अगला क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और ध्यान रखना एग्जाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन 100% वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके अंदर आपको एक लॉजिक लगाना है, वो लॉजिक क्या है इसी चैनल के ऊपर, जो आप जिस चैनल के ऊपर क्लास देख रहे हो, ई नर्सिंग, जे आई एन सी ई नर्सिंग नाम का जो चैनल है,
इसके ऊपर मैंने इस टॉपिक को कम्प्लीटली पढ़ा रखा है, आप सर्च कर सकते हो, लिख देना JINC वेन डायग्राम, तो पूरा का पूरा एक 3 घंटे का टॉपिक आएगा जिसके अंदर मैंने कंप्लीट टॉपिक पढ़ा रखा है। ध्यान रखना हर एग्जाम के अंदर पुलिस से लगा करके यूपीएससी तक जो IAS के एग्जाम होते हैं वहां तक जो भी एग्जाम होते हैं इसके बीच में सारे के सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा इसका। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, ये कह रहा है इसको सॉल्व करना है आपको, तो यहां पर कह रहा फीमेल देर की है, गायनोलॉजिस्ट देर की है और डॉक्टर देर की, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये आपका जो क्वेश्चन है आप सबको इसके बारे में पता है कि गायनोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञों को कहते हैं, डॉक्टर डॉक्टर को कहते हैं, महिला महिला को कहते हैं, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, और बताओ जल्दी से आपका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि आपके 7 से 8 दिन के बाद में क्या है एग्जाम है, तो जल्दी से ठोको और बताओ आंसर क्या होगा। और जिन बच्चों ने लाइक नहीं ठोक रखा है, करीब 1100-1200 बच्चे देख रहे हैं, लेकिन बच्चों लाइक कितना आए हैं, 800 लाइक आए हैं, यह बहुत बड़ी दुख की बात है। तो सभी बच्चे क्या करोगे, लाइक करोगे, लाइक तो कम से कम 2000 होना चाहिए थे अब तक तो। हाँ जी बताइए राइट ऑप्शन, कुछ बच्चे बता रहे हैं बी ऑप्शन रॉन्ग आंसर, ये बिल्कुल दिमाग का खेल है, जिस बच्चे का दिमाग चलता है वो राइट आंसर दे देगा, जिसका दिमाग नहीं चलता वो नहीं दे पाएगा। हाँ जी अभी तक कुछ बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, कुछ के सही नहीं आ रहे हैं। हाँ जी कुछ बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आपको एक बात पता होगा कि गायनोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, गायनोलॉजिस्ट का मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ, वो डॉक्टर है कि नहीं है, तो ये जो स्त्री रोग विशेषज्ञ सारे के सारे डॉक्टर के अंदर आएगा, तो एक सर्कल तो आपका कैसा होगा, ऐसा क्यों होगा, ये जो आपने बाहर वाला सर्कल बनाया है ये सर्कल किसका, डॉक्टर, ये अंदर वाला किसका होगा, ये होगा आपका गायनोलॉजिस्ट का, क्यों, क्योंकि जितने के जितने गायनोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ है वो सारी की सारी डॉक्टर है कि नहीं, बोलो, एक तो ऐसा सर्कल होना चाहिए। यदि मैं बात करूं तो ये गलत हो चुका है, ये गलत हो चुका है। अब बात आई इन दोनों ऑप्शनों का कंपटीशन है, यहां पर ये बात कर रहा फीमेल, तो एक बात बताओ जो डॉक्टर होती है वो सारी की सारी फीमेल होती है, नहीं। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन चलना स्टार्ट होगा कि सर गायनोलॉजिस्ट का मतलब तो लेडीज ही होगी डॉक्टर, गायनोलॉजिस्ट का मतलब क्या है कि लेडीज डॉक्टर भी हो सकती है और जेंट्स डॉक्टर भी हो सकता है। तो अब एक बात को समझो, यहां पर आप किसको बनाओगे, यहां पर आपको बनाना है फीमेल को, ये बिल्कुल सारा का सारा आपका दिमाग का खेल था, ये जस्ट आज से 20 दिन पहले कोई एग्जाम हुआ था एक, उस एग्जाम के अंदर ये पूछा गया, बिल्कुल आपका एक नया क्वेश्चन है। चलिए क्या करना है आपको, यहां पर अंदर वाला गोला किसका बनाओगे आप, गायनोलॉजिस्ट सारी की सारी किसके अंदर आती है, डॉक्टर के अंदर, और फीमेल कुछ डॉक्टर हो सकती है, कुछ फीमेल डॉक्टर नहीं भी होती है, और कुछ गायनोलॉजिस्ट के अंदर फीमेल आ सकती है, कुछ नहीं भी आ सकती है। तो बताओ बच्चों राइट ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर जो आपका आंसर देर का है वो डी नंबर आपका 100% क्या है, राइट आंसर है। तो ध्यान रखना सभी बच्चों को, आपका राइट आंसर क्या आएगा, डी नंबर आपका क्या होगा, 100% आपका डी नंबर आंसर आएगा। चलिए तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तैयार रहिए, आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। चलिए आपका एक टॉपिक है जो आप सिलेबस निकाल के देखोगे, UPCHO का जब भी आप सिलेबस देखोगे सबसे ऊपर आपको एक हेडिंग मिलेगी जिसका नाम है अर्थमेटिकल रीजनिंग, तो वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है अर्थमेटिकल रीजनिंग, और इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा अर्थमेटिक रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारी की सारी चीजें आपको पढ़ाई है। ये तो आपके एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम से पहले एक और एग्जाम हम लेने जा रहे हैं, बाकी इस चैनल के ऊपर मैंने काफी सारे रीजनिंग के लगभग सारे के सारे टॉपिक ही मैंने पढ़ा रखे, आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा, बिल्कुल ये क्वेश्चन अर्थमेटिकल रीजनिंग का मतलब ये पूरा का पूरा खेल है मेंटल एबिलिटी का, आपका दिमाग कैसे चलता है, जैसे आपका दिमाग चलता है बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, सोच सकते हो आपका क्या आंसर बैठेगा। चलो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक टोकरी में कुछ फूल है, एक टोकरी में बच्चों क्या है कुछ फूल है, हर मिनट के बाद में वो दुगुना हो रहा है, हर मिनट के बाद में दुगुना, तो ध्यान दो ये पहली मिनट, ये दूसरी मिनट, ये तीसरी मिनट, ये चौथी मिनट और ये पांचवी मिनट, ये कह रहा हर मिनट के बाद में बच्चों दुगुना होता जा रहा है। दुगुना का मतलब क्या हुआ, मैं पहले प्रैक्टिकली समझाऊं, इसने बोला एक टोकरी में कुछ फूल रखे गए हैं, वो हर मिनट में दुगुना हो रहा है, पहले कितने फूल थे एक, फिर डबल कितना हो गया दो फूल, फिर इसका डबल कितना हो गया चार फूल, चार का डबल कितना हो चुका है आठ, आठ का डबल कितना हो रहा है 16। अब आपको पूछा जाए कि पांचवी मिनट के अंदर आपने टोकरी को पूरा भर दिया, पूरा भरा कितना लगा 16, अब आधा कब होगा, आधा बोलो चार में होगा कि नहीं होगा, हर मिनट के अंदर क्या हो रहा होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है। इसने बोला है
डबल देखो, पहली मिनट, दूसरी मिनट, तीसरी मिनट, चौथी मिनट और पांचवी मिनट। पांचवी मिनट में मान लीजिए टोकरी को पूरा भर दिया और टोकरी में 16 फूल रख दिए, तो टोकरी आधी कब थी? इसे जस्ट पहले 16 का आधा कितना? 8। तो चारवी मिनट के अंदर क्या भरा गया था? आधा। यदि ये बात समझ में आई तो इस बात को समझो, इसने क्या हर मिनट के अंदर दुगुना होता जा रहा है। 30 मिनट बाद में टोकरी पूरी भर जाती है, तो टोकरी कितने मिनटों के बाद में आधी होगी? तो ये कह रहा है कि टोकरी को आपने क्या कर दिया, 30 मिनट के अंदर फुल कर दिया। क्या कर दिया? टोकरी को 30 मिनट के अंदर फुल भर दिया। मान लीजिए 30वीं मिनट के अंदर आपने टोकरी के अंदर कितने फूल रख दिए? 50। तो इसे आधे 50 फूल कब थे? इसे जस्ट पहले वाली मिनट के अंदर। पहले वाली मिनट का मतलब क्या होगा? 29 मिनट आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी बच्चों का राइट होगा। बिल्कुल अभी भी कुछ बच्चे क्या बता रहे हैं, ए ऑप्शन बता रहे हैं, उन सभी बच्चों का रॉन्ग आंसर है। बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 30वें मिनट के अंदर टोकरी पूरी भर जाती है। मान लीजिए 30वें मिनट के अंदर 100 फूल रखे गए, तो 50 कब थे? इसे जस्ट पहले वाली मिनट के अंदर। 29। ये दिमाग के खेल है, मेंटल एबिलिटी पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग चलना चाहिए। जैसे दिमाग चलेगा वैसे आप सही आंसर ठोक के आओगे, इसीलिए आपको क्या पढ़नी पड़ती है, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। चलिए, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो चुका बच्चों? सी नंबर ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लो जी, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है। बिल्कुल आता है, और मैं आपके सामने एक जबरदस्त क्वेश्चन कहते हैं, बिल्कुल एकदम एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो चलिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे? ये आपको एक समीकरण दे रखी है। क्या दे रखी है? ये आपको एक समीकरण दे रखी है, इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है। फिर इसने पूछा है कि देन हाउ इज टी रिलेटेड टू पी। फिर पूछा है कि टी के बीच में और पी के बीच में रिलेशन क्या है। तो टी के बीच में और पी के बीच में आप रिलेशन किस प्रकार से निकाल पाओगे? और इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, ब्लड रिलेशन का तो है ही, लेकिन कोड वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर पाओगे और कैसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्या करना है, ध्यान देना है, और कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता दूं। समीकरण आपको ये जो दे रखी है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करना मैं बताऊं, इसका सेकंडों के अंदर आपको आंसर कैसे लेके आना है वो मैं बता दूं। तो ध्यान दो, ये कह रहा है आपको देर का पी प्लस एस इंटू क्यू इंटू आर माइनस टी भाग वी। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करना? अब प्लस का मतलब क्या है, इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब क्या, माइनस का मतलब क्या, डिवाइड का मतलब क्या है, वो कैसे समझोगे वो आपको यहां से समझना। ये इस साइड में तो मैंने इंग्लिश लिखी है, इस साइड में मैंने हिंदी लिख रखी है। तो ध्यान दीजिए, ये लाइन क्या कह रही है, इस लाइन को समझो। ये कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। क्या कह रहा? बी का भाई है, इस दूसरे का भाई है। इस दूसरे का भाई कौन है? ए। मतलब इस बी का भाई कौन है? ए। इसका मतलब ये हुआ। चलो सेकंड नंबर लाइन की बात करें, ये कह रहा ए माइनस बी का अर्थ है ए नाम का जो कैंडिडेट है वो बी की पत्नी है, इस बी की पत्नी कौन है? ए। आओ यहां पर बात करें, ये कह रहा है ए इंटू बी का अर्थ है बी की पुत्री है, इस बी की पुत्री का नाम क्या है? ए। आओ अब कह रहा बी का पिता, बी के पिता का नाम भाग का मतलब क्या है? पिता। अब जैसे जैसे इसने बता रखे हैं वैसे के वैसे यहां पर इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। यदि इतने हाई लेवल के क्वेश्चन यदि एग्जाम के अंदर मान लीजिए नहीं भी आए, तो हाई लेवल की तैयारी करके जाओगे, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको बहुत सिंपल लगेंगे। ठीक है, फिर आप ये नहीं कहोगे एग्जाम का पेपर बहुत टफ आया। ठीक है, चलिए तो इसके ऊपर लिख दो सारे के सारे साइन। साइन आपको कैसे दे रखे? बाद वाला का बोला बी का भाई है, प्लस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये एस का भाई होगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बच्चों, क्या लिखा मैंने भाई, ऐसा क्यों लिखा? इसने बोला इसका भाई बी का ए भाई है, मतलब पहले वाला भाई है, तो एस का भाई कौन है? पी। आगे आओ, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? ये देर का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है बाद वाले की पुत्री, मतलब क्योंकि ये पुत्री है तो यहां पर आप लिख दीजिए पुत्री, फिर मल्टीप्लाई है तो फिर लिख दीजिए पुत्री। इसका मतलब क्या हुआ? ये कह रहा बी की ये पुत्री है, इसी प्रकार ये क्यू की पुत्री, ये आर की पुत्री। देखो माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता बी की पत्नी, बाद वाले की पत्नी, टी की पत्नी का नाम क्या है? टी की पत्नी का नाम है आर। आगे देखो डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब होता पिता, बाद वाले का पिता, मतलब वी का पिता। ये लो जी आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व और आपका आंसर आपके हाथ में आ चुका है। चलो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करना। अब किसके बारे में पूछा? टी के बीच में और पी के बीच में। यह तो रहा आपका टी और ये रहा आपका पी, निकाल लो आंसर आ चुका है। लेकिन अपन ने जो आंसर देखा है वो अपने क्वेश्चन पढ़ा, पीछे वाले का आपको क्या दे रखा है? आंसर दे रखा है, बोला ये बी का भाई है,
बोला ये बी की पत्नी है तो आपको चलना भी पीछे से है। एक बात बताओ, ये किसी का पिता है, पिता किसको कहते हैं, मेल को या फीमेल को? मेल को। तो खुद को क्या मानोगे आप? मेल। अपन अपनी पत्नी और अपनी पत्नी का जो पुत्र, आपका पुत्र, आपके पुत्र की पुत्री होती है, उसको आप क्या कहोगे? पोत्री। मतलब क्या कहोगे? ग्रैंड डॉटर कहोगे। और ग्रैंड डॉटर का जो भाई होता है उसको भी आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे ग्रैंड सन। तो आपको पूछा टी रिलेटेड टू पी, टी का रिलेशन पूछा गया है, तो टी का रिलेशन पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या आएगा? दादा दादी। तो आपका आंसर आएगा बच्चों दादा। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है ये? आपको दे रखा है डी ऑप्शन के अंदर, ये कह रहा है पैटर्नल ग्रैंड फादर। पढ़ो ढंग से, जैसे कि मैं यहां पर बैठा हूं, ठीक है, ये मेरी पत्नी, ये मेरी पत्नी की पुत्री, मतलब मेरी पुत्री, मेरी पुत्री की पुत्री, मेरी पुत्री की, ओहो ये आंसर नहीं आएगा भाई। पढ़ो ढंग से, यहां पर मैं बैठा हूं, ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी की पुत्री मतलब मेरी पुत्री, और मेरी पुत्री की जो पुत्री होगी वो अपने लिए क्या लगेगी? भांजी। और भांजी का जो भाई होगा वो लगेगा भांजा। इसका मतलब ये इसके लिए क्या लगेगा? नाना लगेगा। किस ऑप्शन के अंदर देर का बच्चा? ये देर का है आपका सी ऑप्शन, सही आएगा, मैटरनल ग्रैंड फादर की बात करा, नाना आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन ही आएगा बच्चों। क्या आंसर आएगा? खुद के ऊपर सोचो ऐसा कि यहां पर आप खुद बैठे हो, या आपकी पत्नी, और पत्नी की जो पुत्री है वो आपकी पुत्री, आपकी पुत्री की जो पुत्री है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, मतलब आपकी भांजी हो चुकी है। उसका जो भाई होगा उसके लिए टी खुद क्या लगेगा? तो टी क्या लगेगा? नाना लगेगा कि नहीं लगेगा? सी ऑप्शन आएगा आपका सही ऑप्शन। हाँ जी, यू नहीं दिखा गया। हाँ जी, सही ऑप्शन आएगा बच्चों, सी ऑप्शन आएगा आपका। चलिए, तो आज का रीजनिंग का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए। एक तो आज आपका रीजनिंग का, ये मान लीजिए आपका टेस्ट था, ऐसा का ऐसा सेशन आपका एक रहेगा 6 सितंबर को, जिसके अंदर बिल्कुल ऐसा का ऐसा एक पैटर्न निर्धारित करेंगे, जैसा का जैसा एग्जाम के अंदर आता है। तो उस सेशन को अभी आपको क्या करना है? अटेंड करना है। आज जितना आपका सिलेबस का पार्ट है, जितने आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सभी टाइप से अपन ने क्वेश्चन भी उठाए, सभी टॉपिक से अपन ने क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब अपन वापस मिलते हैं 6 सितंबर को, अपन बात करेंगे रीजनिंग के बारे में, बिल्कुल जो आपका एग्जाम के अंदर पेपर होगा वैसा का वैसा अपन 6 सितंबर को एक और सॉल्व करके पेपर देखेंगे। तो मिलते हैं अपन 6 सितंबर को, ठीक है। थैंक यू।